Hello friends, welcome to the desk Deva English Spoken Classes. Please do watch this channel. By watching this channel, you can surely learn English. Thank you. फ्रेंड्स, ये रहा पिछले क्लासेज में दिए गए सेंटेंसेस के आंसर. आप अपने बनाए हुए आंसर से इसको टैली कर लेना, ठीक है फ्रेंड. सकारात्मक सोच वाले इंसान हमेशा खुश रहते हैं. इसलिए नहीं कि वो सकारात्मक सोचते हैं, बल्कि इसलिए कि वो नकारात्मक नहीं सोचते. हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द डेस्क देवा इंग्लिश स्पोकन क्लास. हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेल ना, आई एम ऑल्सो वेरी वेल. फ्रेंड्स, इन द लास्ट क्लास आई टॉक टू यू अबाउट द यूज ऑफ लेट. ओके ओके फ्रेंड्स, डू यू रिमेंबर what did I teach you in the last class? Okay friends, तो ज़्यादा देर नहीं करते हुए हम आज की क्लास शुरू करते हैं. Let's start the class of the day. Friends, चलो कुछ करते हैं, चलो कुछ सीखें, आओ डांस करते हैं. चलो गीत गाते हैं, आओ खेलते हैं, चलो नाश्ता करते हैं. इस तरह के सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में किस तरह से बोलते हैं, इसी तरह के सेंटेंसेस पर हम आज चर्चा करेंगे, यही सीखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स. तो लेट्स लर्न द यूज ऑफ लेट्स. ओके फ्रेंड, लेट्स, दिस इज लेट्स. What is let's? Let's से ही जुड़ा हुआ टॉपिक है let's. जब हम एक से ज़्यादा लोग मिलकर कुछ करने की इच्छा जाहिर करते हैं तो उस तरह के सेंटेंसेस को हम let's से बनाते हैं. ये let's है क्या? आखिर apostrophe s वहाँ पर लगता क्यों है? What is the let's? चलिए आज सीखते हैं, वही सीखेंगे हम. Let's के मतलब मैं आपको समझा देता हूँ पहले. Let's means होता है let प्लस अस, मतलब हम एक से ज़्यादा लोग मिलकर कुछ करने की इच्छा जाहिर करते हैं तो लेट प्लस अस यानी लेट्स हो जाता है, ठीक है फ्रेंड. इसमें सेंटेंसेस कैसे आएंगे? चलो चले, चलो चलते हैं, चलो बाजार चले, चलो कुछ खेलते हैं, आओ कुछ खाते हैं, चलो भाई डांस करते हैं. इस तरह के सेंटेंसेस का इस्तेमाल होता है तो हम लेट्स का इस्तेमाल करते हैं इंग्लिश में, ठीक है फ्रेंड. जैसे चलो कुछ करते हैं, लेट्स डू समथिंग, आओ डांस करते हैं, लेट्स हैव डांस. डांस करते हैं, अब आप ये मत सोचना कि करना का इंग्लिश तो डू होता है तो फिर हम यहाँ पर हैव क्यों लगा रहे हैं. मैंने आपको एक बार बताया था कि हैव का इस्तेमाल हम करना के लिए, रखना के लिए, लेना के लिए भी करते हैं. लेने के लिए, करने के लिए, रखने के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए भी हम हैव का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है फ्रेंड. जैसे मैंने आपको मे वाला टॉपिक पढ़ाया था ना, तो उसमें क्या मैं आपकी पेन ले सकता हूँ, क्या मैं आपकी पेन लूँ, तो उसको मे आई टेक योर पेन प्लीज, ऐसा भी बोल सकते हैं. और आजकल ज़्यादातर लोग टेक की जगह हैव का भी इस्तेमाल करने लगे हैं. मे आई हैव योर पेन प्लीज, मे आई हैव योर 10 मिनट्स प्लीज, मे आई हैव अ सीट, यस यस हैव अ सीट. हैव का इस्तेमाल इस तरह से भी करते हैं, ठीक है फ्रेंड. तो ये लेट्स का इस्तेमाल अभी आपको मैंने बताया कि लेट्स क्या है और लेट्स का इस्तेमाल हम किस तरह के सेंटेंसेस के लिए करते हैं, ठीक है फ्रेंड. आओ डांस करते हैं, मीन्स आप बस इतना ही समझ लो कि हम एक से ज़्यादा लोग मिलकर जब किसी भी काम को करने की इच्छा जाहिर करते हैं, कोई भी काम, तो हम उसमें लेट्स का इस्तेमाल करते हैं. चलो बाजार चलते हैं, लेट्स गो टू द मार्केट. चलो एक गीत गाते हैं, लेट्स सिंग अ सॉन्ग. चलो उसको पीटते हैं, लेट्स बीट हिम.
ठीक है फ्रेंड। तो मैं पिछली क्लासेस के संबंधित कुछ और भी जानकारियाँ देना चाहता हूँ आपको। जैसे लेट में लोगों को कुछ कन्फ्यूज़न है, मिस कन्फ्यूज हो जाते हैं, हमारे क्लास में भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। जैसे मैंने कहा कि किसी को अंदर मत आने दो, तो वो सीधा लिखते हैं डोंट एनीबॉडी लेट कम, मीन्स उल्टा छुल्टा लिख देते हैं। लेकिन मैं कई बार बता चुका हूँ कि सबसे पहले अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो डोंट का इस्तेमाल करो, फिर उसके बाद लेट का इस्तेमाल करो, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो उनको ऑब्जेक्ट समझ में नहीं आता है, सिर्फ मैं, तुम, वे लोग, हम, ये सब आता है तभी समझ में आता है। बाकी कोई भी, किसी भी, राम को, श्याम को, उन बच्चों को ऐसा बोलो तो फिर कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ उन बच्चों को पार्क में मत घुसने दो, उन बच्चों को पार्क में मत घुसने दो, तो डोंट लेट दोज चिल्ड्रन, डोंट लेट दोज चिल्ड्रन एंटर इनटू द पार्क। किसी को यहां से मत जाने दो, डोंट लेट एनीबॉडी गो फ्रॉम हियर। सभी लोगों को अंदर आने दो, लेट एवरीबॉडी कम इन। ठीक है फ्रेंड, मेरे भाई को आज पार्टी में गीत गाने दो, द लेट माई ब्रदर सिंग अ सॉन्ग टूडे इन द पार्टी। ठीक है फ्रेंड, तो मैं समझता हूँ कि आपका भी कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, और जब मैं, तुम, वे लोग, हम के अलावे कुछ और ऑब्जेक्ट आए तो हम उसको कैसे डिटेक्ट करते हैं, मीन्स कैसे पहचानते हैं। सिंपल है फ्रेंड, किसी को अंदर मत आने दो, तो किसी को यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया। सभी लोगों को अंदर आने दो, तो सभी लोग यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गए, और उसका इस्तेमाल हम लेट के जस्ट बाद ही करते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो उम्मीद करता हूँ कि ये लेट्स वाले टॉपिक आप समझ गए होंगे। लेट्स, लेट्स मतलब लेट प्लस अस, मीन्स अस का मतलब क्या होता है, हम लोग। ठीक है फ्रेंड, तो जब भी हम कुछ एक से ज़्यादा लोग मिलकर कुछ काम करने की, कुछ करने की सोचते हैं, बात करते हैं आपस में, तो फिर उसमें लेट्स लगा कर बोलते हैं। चलो कहीं बैठते हैं, लेट्स सिट समवेयर। चलो कहीं चलकर चाय पीते हैं, लेट्स गो समवेयर एंड टेक टी या हैव टी। आओ नाश्ता करें यार, लेट्स हैव ब्रेकफास्ट। ठीक है फ्रेंड, चलो उससे मिलते हैं, लेट्स मीट हिम। चलो उससे बात करते हैं, लेट्स टॉक टू हिम। सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है फ्रेंड, तो उम्मीद करता हूँ कि आज के टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और मैं क्लास के एंड में जो सेंटेंस दूंगा उसको आप एक बार अच्छी तरह से अभ्यास कर लेना, और भी अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो आज के लिए इतना ही, और जाते जाते मैं फिर से उन दोस्तों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो तीन चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई थी पहले शुरुआत में, वो करते रहना फ्रेंड। फ्रेंड मैं प्रॉमिस करता हूँ आपसे, आपसे वादा करता हूँ कि आप अगर रेगुलर आपने मेरा क्लास अटेंड किया इंग्लिश में, तो आप इंग्लिश बोलना ज़रूर सीखेंगे, ये वादा है मेरा आपसे। ये मैं ऐसे ही बोल नहीं रहा हूँ, मैंने काफ़ी लोगों को सिखाया है, मीन्स हमारे क्लास में आकर काफ़ी लोगों ने सीखा है इंग्लिश, वैसे वैसे लोग सीखे हैं जो कभी स्कूल तक नहीं गए थे। पहले मैंने उनको हिंदी सिखाई, फिर इंग्लिश सीखी, फिर आज कोई कोई तो आज क्लास भी चला रहे हैं अपना। ये कहने की बात नहीं है फ्रेंड, ये सच है। और अगर आपने भी रोज का क्लास हमारा अटेंड किया रेगुलर, तो आप देखना, सिर्फ आप एक दो महीना आप अटेंड करके देखो, अगर आपकी इंग्लिश इम्प्रूव नहीं हुई तो फिर मुझे बताना। ठीक है फ्रेंड, तो आज के लिए इतना ही, और अब तक का हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स, थैंक्स अ लॉट, धन्यवाद। फ्रेंड्स ये रहा आज के लिए आपका होमवर्क, आप इन सेंटेंसेस को अच्छी तरह से समझ कर बनाना। ठीक है फ्रेंड, ओके बाय।